जय श्री राम, जय हिंद, जय मौसम्ले। वेलकम टू माय चैनल सीके। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। क्यों घूमने के लिए जाने बताऊँ क्या? 5 दिन से हम लोग परेशान हो गए बारिश की वजह से। तो देख रहे हो हमारी पलटन आ चुकी है गाड़ी के अंदर। तो तैयार है आप लोग हमारे साथ घूमने के लिए? कहाँ जा रहे हैं आगे बताते हैं। आज अपने साथ है ड्राइंग मास्टर दिव्या। दिव्या क्यों नहीं गया स्कूल पता है? तैयार तो हो गई थी स्कूल के लिए, लेकिन जैसे ही नीचे आई बस चली गई। अब क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला चलो सैटरडे तो घूम के आते हैं। और 5 दिन से वैसे ही बारिश की वजह से ना घर वाले भी परेशान थे, तो वो भी घर पे बोर हो गए थे। घूमना इम्पोर्टेंट है, घूमोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हर की ग्रीनरी देखोगे, हवा खाओगे, ताज़ी हवा, ऑक्सीजन, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहाँ जा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ सीके ब्लॉग में। कि हम करते हैं भाई एक्सप्लोर, अपने लाइफ को करो एक्सप्लोर, ताकि आपको मिले सुंदर जगह और अच्छी जगह जहाँ पे आप ले सको नज़ारे का मज़ा। तो हम चलें करने एक्सप्लोर। दिख रहा है आपको सामने लोकेशन, जो कसारसाई जो डैम था उसके अपोजिट साइड पे। अपोजिट मतलब आपका अगर नीचे उतर के लेफ्ट में जाना है अंदर, राइट साइड पे आपके कसारसाई डैम रह जाएगा और सीधा जाना है आपको यहाँ से। तो आपको ये व्यू दिखता है, चारों तरफ पहाड़ें दिखती हैं, चारों तरफ खेती दिखता है आपको, आसपास पूरी खेती है। ये जो है ना गांव का एरिया, ये पूरा खेती वाला एरिया है और बहुत ही सुंदर है। बहुत मतलब कभी आप एक्सप्लोर करो, लेकिन बारिश के टाइम पे करो। बारिश के टाइम मतलब अभी ये सीजन में, क्यों बताता हूँ, उसके बाद शायद से यहाँ पे सूखा पड़ सकता है। और ये जो ग्रीनरी दिख रही है ना आपको, ये ग्रीनरी नहीं रहेगी फिर। लोकेशन वैसे ही रहेगा, ग्रीनरी कम हो जाएगी फिर, तो आपको मज़ा नहीं आएगा घूमने में। अगर आपको घूमने का शौक है तो घर से निकलिए, निकलने के बाद सीधा पकड़िए रास्ते को और आ जाइए कसार साइड डैम। Silence aimé, à se promettre l'éternité. Si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et des histoires. Si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas. Malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras. Silence aimé, encore une fois. Silence aimé, comme autrefois. Avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Si l'on s'aimait encore. Kasarsai Dam. कासारसाई डैम आपको तड़ेगाँव से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलेगा। 14 नहीं, आई थिंक 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलेगा। यहाँ पे बोटिंग करने का ऑप्शन है, यहाँ पे मज़े लेने का ऑप्शन है। ये देखिए अपने घर वाले कैसे मज़े ले रहे हैं। एक चीज़ दिखा दो आपको मस्त वाले, और देखो देख रहे हो आप घर, देखो कहाँ पर लोकेशन, देख रहे हो आप मस्त। और हम हैं बालाजी बोटिंग क्लब में। बालाजी बोटिंग क्लब मस्त लोकेशन है, बोटिंग कर सकते हैं। फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, बोटिंग कीजिए। दिव्या ने भी बोटिंग किया, आपने देखा। दिव्या आपको कैसा लगा बोटिंग करके? हाय दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आज आगे हैं बोट में।
मैं बोट में गई थी आज, बहुत सारे देखे फिश ही, मेरी मम्मी को दिखा फिश, और आज बोटिंग करने जा रहे थे, वो देखो बोटिंग में पापा मम्मी नहीं बैठा है, एक कोई फिश बना सकते हैं। आप इंजावड़ साइड से आ रहे हो तो भी आपको नज़दीकी गिरेगा, इंजावड़ी से सीधा मारूंग की तरफ से आइए और फिर आ सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये है वो जगह, आई लव रॉक्स। तो यहाँ पे आ सकते हो आप फैमिली के साथ, ऑफिस के साथ, ऑफिस आउटिंग कर सकते हो, फैमिली आउटिंग कर सकते हो, अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घर पे रिटर्न। अभी हो चुका है 2:30 हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं घर पे रिटर्न जा रहे हैं, और अपना लंच भी हो चुका है क्योंकि मुझे करना था शॉपिंग लेकिन नहीं कर सकते यार, जितना खाया ना मैंने अभी बिरयानी, पनीर बिरयानी, मशरूम चिल्ली, फिर पनीर चिल्ली, फिर वो राइस दिव्या ने मंगाया था वो बच गया था, वो सब खाने के बाद ना अभी चलने के मूड में नहीं हूँ मैं, शॉपिंग के मूड में। ये देख रहा हूँ अभी भी उसको खाने के बाद ना वो बोल रही कि बुढ़िया के बाल खाने हैं उसको। तो चलो यहीं पे वीडियो आपको एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको इससे ये वाला ब्लॉग बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ना करना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीके, साथ में एक्सप्लोर द लाइफ 3.0। बाय, सिया, जय श्री राम। ये देख रहे हो आप, ये हालत होती है, इसी की वजह से ना मैंने घर पे अपने विसर्जन करवाया, पता है क्या, पता है ये क्या, देखो तुम गणेश जी को, सब गणेश जी बैठे हैं, कब पानी में जाएंगे करके, सब यहीं पे छोड़ के चले गए पानी के पास, यहीं पे सब छोड़ के चले गए पानी के पास, भगवान जी को इंतज़ार में है कब उनको कोई डुबाएगा करके आके, क्योंकि आप पानी गंदा नहीं कर सकते, डैम में नहीं छोड़ सकते, तो पानी तो चाहिए विसर्जन करने के लिए। वेरी बैड, वेरी बैड। ये एक ही जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे है अभी। So of gescheitert hab so viel riskiert doch der Moment ist da es wird endlich wahr ich kann nicht glauben dass es passiert ich hab mein Leben lang